वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। जैसा कि आपको पता है कि SSC CHSL का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और एक मंथ के बाद ही आपका पेपर होने वाला है। तो आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के जितने जो पेपर हुए होंगे तो उसको मैं सॉल्व करूँगा और बताऊँगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूँ पिछले साल का, यानी कि ये जो पेपर था 2016 का पेपर था, लेकिन ये जो पेपर हुआ था 2017 में हुआ था, जो कि अब 2017 का जो पेपर है वो आपको मार्च में शेड्यूल है और मार्च में 4 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस के हम सॉल्यूशन के साथ आपके साथ वीडियो लाएंगे और आप देखेंगे, और भी जो आपका कुछ डिमांड होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर हुआ था ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और ये 8 को हुआ था, 8/2/2017 को हुआ था। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें indiabud.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया है पेज को लाइक कर लें, ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फेसबुक ग्रुप को वो भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं हर एक एग्जामों से रिलेटेड। और फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साइड में ही अगर बेल बटन है तो बेल बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था पिछले साल जनरल अवेयरनेस का मॉर्निंग शिफ्ट का वो था, ब्लैंक दिया हुआ था यहाँ पे, कंप्राइजेज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनास्टिक एंड स्कॉलेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल का आपको पता होगा, इसका मतलब पुरातत्व को होता है, और जो मोनालिस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका मठासी, और स्कॉलिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्कूली। तो ठीक है, तो इसको बताना है कि ये जो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन है जहाँ पे इन सब का पढ़ाई होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ। तो बात करते हैं नालंदा, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नालंदा जो है वो आपका पिछले अथी में पुराने तत्व की बात करते हैं तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा ये। सेकंड चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ दीज इंडियंस हैज नॉट वॉन ए नोबेल अवार्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है, यहाँ पे देख लें क्वेश्चन को नॉट दिया हुआ है, ये नहीं कि विन, जो विन किए वो नहीं, आपको बताना है कि नहीं जो जीते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं और इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला था, जो का आपको 1913 में मिला था। ठीक है, ये भी आप याद रख लें क्योंकि आपको काम देगा अगर अगले पेपर में पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब हुआ था, कब मिला था नोबेल प्राइज़, तो 1913 में मिला था। और अगर इसके बात करते हैं तो इनको लिटरेचर में मिला था। ठीक है, आप ये ध्यान रख लें कि लिटरेचर के लिए इनको दिया गया था। अब बात करते हैं CV रमन का, तो CV रमन को भी आपको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और CV रमन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1929 को मिला था, यानी कि 1929 में मिला था। ठीक है, और इनको मिला था फिजिक्स के लिए, ये भी आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए फ्यूचर में हेल्प होगा, कोई भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ सकता है ये। अब थर्ड पे है सत्यजीत रे, तो आपको बताना है सत्यजीत रे को मिला है कि नहीं मिला है। तो मैं आपका इसका आंसर बता दूं, तो सत्यजीत रे को नहीं मिला है, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 1992 में, इनको ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो ये आपके ही ये करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आंसर की बात करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अब चारों डिस्कस कर लेते हैं। अमर्त्य सेन को भी मिला था, आपको पता है कि अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। ठीक है, और इनको जो मिला था वो 1998 में मिला था, 1998 में, और किसके लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको। तो देख सकते हैं आपको पता चल गया कि इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़, इनको और इनको, CV रमन, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन सत्यजीत रे को नहीं मिला। सत्यजीत रे को मिला था आपको ऑस्कर अवार्ड, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है एलेपिडे नाजिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो आपको बताना है कि किसका इसमें से जो ऑप्शन है उसका साइंटिफिक नेम कौन सा है। ठीक है, तो ये हम लोग कोबरा को बोलते हैं, कोबरा आपको पता है कि स्नैक है, इसको बोला जाता है, ये उसका नाम है, पिछले साल का क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बहुत सारे बच्चे अगर 12th से पेपर है 12th लेवल का तो समझ सकते हैं 12th लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का आप लोग बहुत ही इजीली जानते होंगे इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा आपका AlN होगा। आगे देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसका ज़्यादा है क्लोरीन से, इन सब ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आपको तो सबसे पहले क्लोरीन का पता होना चाहिए कि क्लोरीन का कितना होता है। तो हम अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे कि पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का 19 होता है। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है आपका वो होता है 16, और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का होता है 13, और उसके बाद फॉस्फोरस का बात करते हैं, ठीक है, तो फॉस्फोरस का आपका हो जाता है 15। तो आप देख सकते हैं पूछ रहा है कि फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर दैन, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका क्लोरीन का 17 है, लेकिन इससे सब छोटा ही है ये सब, और जो पोटेशियम है वो बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पोटेशियम। कॉमनली यूज एब्रिविएशन ISP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है। हाँ, तो एग्जाम में ये सब भी पूछते हैं। और मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूं उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा आपका हर एक टॉपिक वाइज, जैसे कि आप अभी नोबेल प्राइज़ का देखे थे, उसके बाद ये फुल फॉर्म का देखे थे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मेरे डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, आप जाके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में देख सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके क्वेश्चन हैं, आपको मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। और अगर ऐसे बात करते हैं कंप्यूटर का भी दो सेक्शन सेट, एक सेट डाला हुआ है, एक सेट अभी मैं डाल दूंगा जो कि CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ISP का फुल फॉर्म यही होता है। अब बात करते हैं घूमर इज ए फोक डांस ऑफ, तो घूमर का जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो घूमर इज ए फोक डांस किसका फोक डांस है। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि घूमर सॉन्ग आया इस हाल फिलहाल में एक मूवी में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इशू हुए हैं, और वो राजस्थान का है, ठीक है। उसका अगर बात करते हैं तो फोक डांस जो है वो राजस्थान का है, तो यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं ऐसे ऐसे जो है, इसके लिए मैंने बुक बता चुका है कि जो भी टॉपिक है, मैं एक छोटा का बुक बताया हूँ जो कि मात्र 20 रुपीज़ के अराउंड है, RK गुप्ता का। अगर बोलेंगे तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। पूरा बुक का मैं लिस्ट दे दूंगा जो कि CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पसंद आता है वहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। मात्र 20 रुपीज़ के है, लेकिन उसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको, फोक डांस से लेके वहाँ पे आपके जो नोबेल प्राइज़ के हैं, जो फर्स्ट हो गया या लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, सब चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। लास्ट में उसके करंट अफेयर्स भी दिए हुए हैं जो कि आपके काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इफ़ ए परफेक्टली कंपटीशन फॉर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट, ठीक है, देन दैट फॉर्म प्रोडक्ट, उस फार्म प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगर उसकी बात करते हैं तो उस फार्म प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस एग्जिस्ट इट्स मार्जिनल, ठीक है, प्राइस एग्जिस्ट इट्स मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यूरानाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, आपको बताना है कि ओर और मिनरल किसका है, इसमें जो ब्लैंक दिया है आपको इसको फिल करना है। तो इसका सॉरी फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर आपको बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एल्युमिनियम होगा। इसका आप आंसर देख के बता सकते हैं। बात करते हैं इंडिया ओल्डेस्ट क्रेडिट, ठीक है, इंडिया ओल्डेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आपको बताना है कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो कौन है। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका CIBIL, ठीक है, ये 10वां जो नंबर है वो उसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ए वोल्केनिक दैट नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सिंडर कॉन, मोरेन, लावा या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, जो आगे तुरंत नहीं निकलता है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ, देखिए एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपका इससे क्या होगा कि आपको कैपिटल करेंसी भी आपको याद रखनी है। उसका भी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा, ट्रिक्स की तरह बताऊंगा कि कैपिटल करेंसी कैसे याद रखें, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगा। तो पेरिस जो आपको पता है कि फ्रांस का जो राजधानी होता है वो पेरिस होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये होगा। और बात करें अगर इससे रिलेटेड, मैं बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसका जो करेंसी होता है वो होता है यूरो, ठीक है। इसको अगर राइट करना है तो राइट कर लें। इसका जो आप बात करते हैं करेंसी का, तो ये होता है यूरो। अब इन लोग का भी देख लेते हैं। नॉर्वे का जो राजधानी की बात करते हैं तो इसका होता है ओस्लो राजधानी, ठीक है, ओस्लो। कनाडा का बात करते हैं, कनाडा का ओटावा, OTTA, ओटावा होगा आपका, ठीक है। और ग्रीस की बात करते हैं तो ग्रीस का आप लोग को पता होगा एथेंस इसका राजधानी है, जहाँ पे पहला ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न इन पाटलिपुत्रा विच इज नाउ इन, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो पाटलिपुत्रा में जन्म लिए थे। वो अब जो पाटलिपुत्रा है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा आपको पता है बिहार में है और पटना का नाम ही है अब, पाटलिपुत्रा तो पहले था। बैटल ऑफ कन्नौज इन 5440 वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड, आपको बताना है कि किसके किसके बीच में जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, जो कि 1540 में, ये आप डेट भी याद रखेंगे, किसी किसी के डेट पूछ देते हैं तो आपको ये भी बताना है कि किसके किसके बीच में हुआ था। आपके अगर ऑप्शन बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हुमायूं, ठीक है, हुमायूं इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, मैजिक मार्कर वाज इन्वेंटेड बाय, तो देख रहे हैं यहाँ से आप इन्वेंशन से भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, जैसे कि मैंने बता चुका है स्ट्रेटेजिक प्लान में कि आपके इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये 3rd नंबर इज द राइट आंसर, सिडनी रोसेनेथल। अपवार्ड फोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, अपवार्ड जो फोर्स होता है फ्लोटिंग बॉडी पे क्या बोलते हैं उसको, जर्क, बायोंसी या आर्किमेडिकल फोर्स या एंटी ग्रेविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बायोंसी, ठीक है, इसको हम लोग बायोंसी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वोमेन हैव श्रिल वॉइस, ठीक है, वोमेन की वॉइस थोड़ा मेन से अलग होता है तो इसी का कारण पूछा गया है, वोमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ, किसके कारण ये श्रिल वॉइस होता है, श्रिल वोकल्स के कारण बहुत सारे लोग टिक किए थे पिछला साल, लेकिन ये आपका गलत है, ये आंसर नहीं होगा इसका। तो मैं अगर इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका जो सेकंड नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, बहुत ही ईजी है ये, कौन थे फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग को पता है सरोजिनी नायडू थे, ठीक है, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। ये सब वो जो मैं बता रहा हूँ बुक का आरके गुप्ता का, उसमें आपको मिल जाएगा, वो आप खरीद लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ केरला इज, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, कभी कुछ दिन पहले जो उसका जो पेपर हुआ था जनरल जो SSC JEE का, उसमें पूछा गया था कि यूपी का या ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा कहाँ है लोकसभा की सीट, मानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपको पता है कि यूपी में ही है सबसे ज़्यादा सीट 80 है लोकसभा का, ठीक है, और राज्यसभा की बात करें तो 31 है। और यहाँ की बात करते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स जो आपकी केरला की बात करें तो यहाँ पे आपका 20 जो है वो राइट आंसर होगा। इन विच स्पोर्ट इन ओलंपिक इंडिया हैज़ वोन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स, अभी तो इंडिया बहुत कम 1 या 2 जीतता है, लेकिन पहले आपका पता है कि 1980 तक इंडिया बहुत ही अच्छा था हॉकी में, और हॉकी में ही काफ़ी गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं। तो इसका जो आप करेक्ट आंसर मारेंगे वो आपका हॉकी पे मारेंगे, हॉकी इज द राइट आंसर। द अपर पार्ट ऑफ द हेट्रोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑफ विच गैस, आपको बताना है कि जो अपर पार्ट है हेट्रोस्फेयर का वो ज़्यादातर कौन सा गैस होता है, तो ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हाइड्रोजन, ठीक है, 4th नंबर इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ, देखिए तो बुक से भी पूछता है राइट कौन किया, ऑथर के पूछता है, ऑथर के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कौन से बुक किसने लिखा। माय फादर इज ए हीरो, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको होगा वो होगा निशांत, ठीक है, निशांत कौशिक इज द राइट आंसर 3rd 1। चलते आगे देखते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, SSC JEE में भी काफ़ी पूछा था तो SSC CHSL में ही पूछेगा, या आप तैयार करके जाएंगे कि कौन सी डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो बीमारी है ये होता है एनीमिया, ठीक है। अब एक है ब्लैंक इज ए लीफ वेयर द लीफलेट्स आर अरेंज अलॉन्ग द मिडिल वेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंपाउंड लीफ, ठीक है, ये होगा आपका प्लेमेंटली कंपाउंड लिसे, सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये होगा पिनेटली कंपाउंड लीफ इज द राइट आंसर। थैंक्स। तो वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, और फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैनल को, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।